हेलो रिवन बच्चों, हमने इसके पहले वाले लेक्चर में तुमको सारा कुछ मैंने क्लियर कर दिया था कि एग्जामिनेशन में जो जो चीज़ें हमको ज़रूरी है जानने के लिए वो चीज़ क्या है और हमको उसके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं। अभी मैंने कहा था अगर इसके बाद भी किसी बच्चे को कोई डाउट हो, कुछ मन में शंका हो, जिसके वजह से वो प्रिपरेशन अपनी ठीक से नहीं कर पा रहा, होता है सबके साथ कि कोई भी मन में डाउट है, शंका है, तो फिर वो एफर्ट 100% निकल करके नहीं आते। तो मैंने कहा था कि ऐसे कुछ बात होगी, कुछ चीज़ें अभी भी अनक्लियर होगी तो बताना। तो मुझे कुछ बच्चों के मैसेज कल मिले कि सर एवरीथिंग इज़ ओके, फाइन, बात समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट एक जो बेसिक है एग्ज़ाम का वो हमें क्लियर हो रहा है, मगर ये जो 27 सब्जेक्ट है, जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट की बात हो रही है कि हम 6 सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, तो इस पर कुछ बात क्लियर नहीं हो रही। क्या कुछ बच्चों को लग रहा है क्या हमें 6 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम देने हैं बेचू बीएससी के लिए या फिर किसी और जगह से बीएससी करना होगा, तो क्या हमको 6 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम देने हैं? कुछ बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछे तो मुझको लगा कि इसके बाद फिर से पहले क्लियर कर दो। ऐसा नहीं है, तुमको 6 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम नहीं देने हैं। ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा तुम कौन सा कोर्स ऑप्ट करते हो, तुम्हें एग्ज़ाम किसका देना है। सबसे पहले मैं तुम्हें तुमको एक बात पहले क्लियर कर दूँ, तो कॉन्सेप्ट क्या है इस CUET कॉन्सेप्ट, बहुत लोगों को क्लियर नहीं है, बहुत लोग सिर्फ कन्फ्यूज़न फैला रहे हैं। मैं तुमको सिंपल सा बताऊं कि CUET कोई भी BSc BA BCom कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा रहा है। CUET कोई भी BSc का, BA का या BCom का या किसी भी चीज़ का इंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं करा रहा है। तो ये क्या करा रहा है? CUET केवल सब्जेक्ट्स का तुम्हारा इंट्रेंस करा रहा है कि ये 27 सब्जेक्ट्स हैं। प्लस टू का बच्चा जब प्लस टू के बाद आगे जाता है तो इन 27 सब्जेक्ट्स को लेकर के आगे बढ़ता है, उन 27 को डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स बोला गया और CUET केवल उसका एग्जाम कराएगा। कोई वो रैंकिंग पब्लिश नहीं करेगा, कोई बीएससी बीकॉम का उसका कोई मतलब नहीं है। ये केवल और केवल सब्जेक्ट्स के एंट्रेंस टेस्ट है। ये सब्जेक्ट्स के कौन कौन सब्जेक्ट के एंट्रेंस टेस्ट के मार्क्स तुमको कहाँ पे काम आएंगे वो डिपेंड करेगा तुम्हारे ऊपर। अब जैसे कुछ बच्चे मुझसे कहे सर मैं 6 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम कौन कौन सा सब्जेक्ट में चूज़ करूँगा, मुझको तो बीएससी इंट्रेंस करना है, मैं 6 सब्जेक्ट कैसे चूज़ करूँगा? तो मुझको लगा कि बात अभी भी कुछ बच्चों को क्लियर नहीं है, इसलिए मुझको फिर से आना पड़ा। देखो सुनो फिर समझो, बहुत आसान है। उसमें कहा गया है कि यू कैन टेक अप टू 6 सब्जेक्ट्स, अप टू मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट तुम ले सकते हो, लेकिन अगर तुमको बीएससी इंट्रेंस करना है, बीएससी इंट्रेंस में अपियर होना है, जिसके लिए फॉर एग्जाम्पल तुमको बीएचयू में बीएससी इंट्रेंस में अपियर होना है, जिसमें तुमको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पूछा जाए, तो फिर तुमको 3 सब्जेक्ट ही ऑप्ट करने हैं, तुमको 6 सब्जेक्ट ऑप्ट नहीं करना है। तुमको डोमेन स्पेसिफिक के 3 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के ऑप्ट करने हैं और तुमको CUET के एग्ज़ाम में बैठ जाना है। जो मार्क्स आएंगे फिर बीएचयू उन मार्क्स को देखेगा, उसके हिसाब से बीएचयू तुम्हारी रैंकिंग को अपने यहाँ बनाएगा। CUET वगैरह से कोई रैंकिंग वगैरह तुमको नहीं मिलने वाली है। तुम किसी और कॉलेज में क्या बोलोगे कि हमको ठीक है तुमको DU से BSc करनी है, तुमको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ साथ चलो हमें एक जनरल टेस्ट भी चाहिए, तो तुमको जनरल टेस्ट में बैठना पड़ेगा, नॉट फॉर BHU बट फॉर DU तुमको बैठना पड़ेगा। तो इस बात को समझो। अच्छा कुछ बच्चे ये भी है कि सर हमारा टाइम ड्यूरेशन क्या होगा? टाइम ड्यूरेशन सबसे पहली बात, टाइम ड्यूरेशन का कुछ पता नहीं है, टाइम ड्यूरेशन सबके अलग अलग होंगे, ठीक है, क्योंकि सब बच्चे अपने अलग 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 कोर्स के लिए सबको अलग अलग एग्जामिनेशन देना होगा, तो सबके अलग अलग वक्त होंगे, सबके इक्वल टाइम नहीं होंगे। तो टाइम के बारे में परेशान मत हो, टाइम का वो कैसे मैनेज करेंगे उनका हेडेक है, वो खुद बताएंगे कि भाई तुमको अगर BSc एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना है तुम्हारा टाइम क्या होगा, तुमको अगर BA एंट्रेंस है तुम्हारा टाइम क्या होगा, तुम्हारे कौन कौन से सब्जेक्ट है उसके साथ तुम्हारा टाइम क्या होगा। हो सकता है कि तुम्हारा ऐसे कोर्स हो, तुम्हारा उस कोर्स के लिए ऐसा सब्जेक्ट हो कि शायद तुम्हारा 2 घंटे में एग्जाम हो जाए, तुमको एक ही शिफ्ट में तुम्हारा काम पूरा हो जाए, तो इसके लिए परेशान तुमको नहीं होना है। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स केवल ये सब्जेक्ट्स के एग्जाम है, कोई NTA या CUET कोई तुम्हारा BSc BCom का एग्जाम नहीं है, ये सब्जेक्ट का एग्जाम है।
अब इन एग्ज़ाम के मार्क्स को कोई भी यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से यूज़ करेगा जहाँ तुम अप्लाई करना चाहते हो। तो तुमको पहले शीट में जो दो और बाद के शीट में चार की बात हो रही है कंपल्सरी नहीं है। हो सकता है कि पहले में दो और लास्ट सेकंड शीट में तुम्हारा एक ही सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हो, तुम्हारा काम हो जाए। अब तुमको अगर कई मल्टीपल कोर्सेज में अप्लाई करना है कि हमको नहीं बीएससी में अप्लाई करना है, मैं बीए में भी इंटरेस्टेड हूँ, तो तुमको हो सकता है कि छः सब्जेक्ट चुनने पड़ेंगे, उसके हिसाब से उस बच्चे को फिर छः सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम देने होंगे। सबको छः सब्जेक्ट एग्जामिनेशन नहीं देना है, वो डिपेंड करेगा तुम किस कोर्स को ऑप्ट करते हो। तो ये बस समझो कि ये फालतू की चीज़ों को मत समझो कि बस हो हल्ला हो रहा है कि सर छः सब्जेक्ट, भाई सबको नहीं देना छः सब्जेक्ट, अपने कोर्स के हिसाब से बात होगी। हम बीएससी के हैं, हमें तीन सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तीन सब्जेक्ट का मेरा एग्ज़ाम होगा, 27 सब्जेक्ट्स होए तो हैं, मुझसे क्या मतलब है। कुछ बच्चे टाइम ड्यूरेशन को लेकर परेशान हैं। टाइम ड्यूरेशन एक ऐसी चीज़ है जिसको लेकर के हमको परेशान होना ही नहीं चाहिए। मान लो मैं कह रही 2 घंटे तुम क्या कर लोगे एग्जामिनेशन, मैं कह 3 घंटे तुम क्या कर लोगे, ठीक है देखा जाएगा, जो एग्जामिनेशन टाइम होगा सबके लिए इक्वल होगा। हम उसको एवरीथिंग, हमको हर चीज़ पता होना जरूरी नहीं है, हमें जो चीज़ें पता होना चाहिए बस वो ठीक है, दैट्स फाइन। हमें हर चीज़ पता हो जाए ये ना जरूरी है ना उसकी आवश्यकता है। तो मेरे ख्याल से अब इस पर हम लोग एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना चाहिए कि हमारा CUET एग्जामिनेशन जो होने वाला है वो कोर्स का एग्जामिनेशन नहीं, सब्जेक्ट का एग्जाम है। ये सब्जेक्ट के मार्क्स को, स्कोर को यूनिवर्सिटी यूज़ करेगा उस कोर्स के लिए जिस कोर्स में तुम अप्लाई करना चाहते हो, दैट्स इट। बस इतनी सी कहानी है और कुछ नहीं है। और बाकी जो अलग लैंग्वेज वगैरह है, एक लैंग्वेज तो कंपल्सरी मैंने पहले कह दिया, और एक जनरल टेस्ट की बात हो रही है जो किसी कोर्स के लिए चाहिए होगा, शायद किसी कोर्स के लिए नहीं चाहिए होगा, वो हमको पता चल जाएगा बस द एप्लीकेशन नोटिफिकेशन कम्स, हमको पता चल जाएगा कि किस यूनिवर्सिटी में किस कोर्स के लिए किस सब्जेक्ट की हमको एग्जामिनेशन देनी है, ये हमको बहुत जल्दी पता लग जाएगा April 1st में, ठीक है। तो मुझको लगा कि हम लोग अपने सिलेबस को जो शुरू करना मैं चाह रहा हूँ बहुत दिनों से, पिछले 2-3 दिनों से, तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ बस इन्हीं सब वजहों से, ताकि बच्चों के बीच कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। कन्फ्यूज़न रहेगा तो तुम शुरू पढ़ाई कैसे करोगे। तो जो बच्चे भी इस बातों को लेकर के परेशान थे, आई थिंक अब एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर होगा क्या होगा, डोमेन सब्जेक्ट्स क्या हैं, और टाइम ड्यूरेशन वगैरह किसी को नहीं पता, पैटर्न किसी को नहीं पता, नंबर ऑफ क्वेश्चन किसी को नहीं, नंबर ऑफ मार्क्स किसी को नहीं पता, जो है सो है, बस यही फैक्ट है, ठीक है। चलो तो बस इतना ही तुमसे कहना था, और अगले क्लास में मैं आऊँगा तो क्लास 12th के मैं सिलेबस को शुरू करूँगा, ठीक है। बाकी देखेंगे, अगर एक ऑफिशियल कन्फर्मेशन हो जाता है कि हाँ क्लास 12th ओनली ही है तो विल कंटिन्यू इट, और अगर कुछ बदलाव होता है तो उसके हिसाब से काम करेंगे फिर, बट बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अब शुरुआत कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपने सिलेबस के 1st लेक्चर के साथ क्लास 12th के। थैंक यू सो मच।